किसी का घर तोड़ते हुए ज्यादा देखा गया है, किसी के घर क्यों क्यों तोड़ते आप? देखिए, तोड़ने का रीजन यही है, वन अधिकार कानून को संशोधन किया जा रहा है, कॉर्पोरेट घराने को दिया जा रहा है, इसलिए मचा के आज आपने सुना है कि राजनीतिक पार्टी बहुत दलदल होता है, दलदल में आने का क्या जरूरत पड़ गया? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी आप लोग देख रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी का बैनर है और यहाँ पे लगभग हम लोग देख रहे हैं आज जो यानी कि झारखंड के जो प्रथम सदस्य ग्रहण किए हैं और वो है प्रेम साई मुंडा जी, जो कि आप लोग प्रेम साई मुंडा को हमेशा यहाँ रांची में या झारखंड में जमीन को लेकर लड़ाई लड़ते रहते हैं, इतना खतरनाक लड़ाई लड़ते हैं, शायद इस ये रांची में इस प्रकार लड़ाकू हम लोग नहीं देखे हैं। तो हम लोग प्रथम जो आदिवासी पार्टी में ज्वाइन किए हैं और अभी इतना सारा देखा जाए तो यहाँ हजारों हजारों की संख्या में लोग आए थे और इस प्रकार के बुलाए थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज, कैसे लगा? पहले सामाजिक पार्टी में मतलब सामाजिक संगठन में थे, आज आदिवासी पार्टी में ज्वाइन हो गए, आज आज से राजनीतिक पार्टी का नेता कहलाया जाएगा, पहले समाज का अगुवा कहलाया जाता, क्या कैसे लग रहा आप राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन हो गए? पहले तो पब्लिक एक्शन न्यूज के व्यूअर्स को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी का शामिल होने का मतलब है समाज आधारित पार्टी है, समाज के मुद्दों को समाधान करने के लिए पार्टी बनी है भारत आदिवासी पार्टी, उस पर हम लोग ज्वाइन किए हैं। क्यों ज्वाइन किए हैं? 23 वर्ष हो गए हमारे जो है झारखंड अलग राज्य हुए, लेकिन एक भी मुद्दा यहाँ के नेता लोग समाधान नहीं कर रहा। CNT एक्ट देख लीजिए, 5वीं अनुसूची देख लीजिए, स्थानीय नीति देख लीजिए, कारोबार का अधिकार देख लीजिए, पेशा कानून के दिए हुए ग्राम सभा की शक्ति देख लीजिए, बालू का कारोबार बाहर कर रहे हैं, कोई भी समस्या जनता के हित में समाधान नहीं किया है, इसलिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से ही जो जमीन हम लोग छीनने लूटने का काम करेंगे, जो छीना गया है, जो शोषक वर्ग के लोग जमीन को छीना है उसको हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के ही माध्यम से छीनेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि पूरे राज्य की राजनीति में ये जो समागम हुआ भारत आदिवासी पार्टी मील का पत्थर साबित हो गई, और जिस तरह का ये देख रहे हैं ना चेहरा, ऐसे लोगों को विधायक बनाना हमको, समझे कि नहीं, जो गरीब तबके ऐसे लड़के वो देख रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग विधायक बनाना है, क्योंकि जब तक वो विधायक नहीं बनेंगे अपनी मुद्दे को नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपील करना चाहता हूँ जो यहाँ के बुद्धिजीवी यहाँ के छात्र नौजवान जो दूसरी पार्टी में भटक रहे हैं, तो उसको हम कहना चाहते हैं कि आइए आदिवासी पार्टी में शामिल होकर के एक नया क्रांति दें। और जिस प्रकार से जो है पहले लड़ते थे भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू, एक सामाजिक आंदोलन था, अब समय बदल गया है, डेमोक्रेटिक राइट हमें चाहिए, सदन में जाकर अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि 81 विधायक में से 28 विधायक है आदिवासी, एक दो को छोड़ करके एक भी पार्लियामेंटर नहीं है, एक भी बात को नहीं रखता है और हमें परेशान है, पलायन हो रहे हैं, हम हमेशा जो है रोजगार के अभाव में हम अन्य प्रदेशों में जाकर के हम रोजगार खोज रहे हैं, हमारी बेटी बहन पर पेशाब किया जा रहा है, हमारी जमीन लूटी जा रही है, वन अधिकार कानून को संशोधन किया जा रहा है, कॉर्पोरेट घराने को दिया जा रहा है, इसलिए सबसे उपयुक्त आदिवासियों का है भारत आदिवासी पार्टी और ये शामिल होकर हम गदगद हैं, हम सभी गदगद हैं और अपार जो है हर्षोल्लास हम लोग को लग रहा है और हमें लगता है कि आने वाला समय 81 विधायक में लड़ने का हम लोग प्लानिंग करेंगे और कम से कम 10-15 सीट हम लोग अपने झोली में लाने का प्रयास करेंगे, ये हमारी परिकल्पना है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ का JMM भी अपने आप को आदिवासी पार्टी कहलाता है, यहाँ का झारखंड पार्टी भी अपने आप को आदिवासी पार्टी कहलाता है, यहाँ के आजसू भी अपने यहाँ का ये आदिवासी मूलवासी यानी कि माटी की पार्टी बोलता है, लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी उन लोगों से क्या अलग काम करेंगे कि उन लोगों से आप जहाँ वो लोग काबिज है उस सीट में, उस सीट को आप लोग ले पाएंगे और जनता आपको सीट का मैंडेट देंगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा अनेकों ने आहुति दिया, उसके बाद अलग राज हुआ, लेकिन 23 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा भटक गई है, उनके पीछे दिक्कू लोग हैं, माफिया लोग हैं, उसी के पार्टी के लोग जमीन में फंसाता है, जेल जाता है, जेल से बाहर आता है, तो ये सोच लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे वो NDA हो चाहे इंडिया हो, वो गठबंधन को आदिवासी का हित की बात करना राइट नहीं है, वो फर्जी लोग हैं, फर्जी तरीके से हमारी वोट को छीनना चाहते हैं और एक ही रास्ता है वो भारत आदिवासी पार्टी, और इसलिए हम लोग पूरा खुशी के साथ आज शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, और भी एक दो जन से बात करते हैं, क्या ये लोग पार्टी में शामिल है तो ये तमाड़ से आए हुए हैं, भारत आदिवासी पार्टी में शामिल होने का क्या आपका मन हुआ कि आपको शामिल होना पड़ा? देखिए, आपका चैनल में जो भी देख रहे हैं सबको आपको के द्वारा द्वार करते हैं,
भारत आदिवासी पार्टी एक अपना पार्टी है, ये अपना पार्टी है। आप देख रहे हैं 1950 में संविधान बना, आज तक आदिवासी के लिए कोनो राष्ट्रीय पार्टी काम किया है? नहीं किया है। इसको सोच करके हम लोगों ने एक भरोसा के साथ, ये तो घर का पार्टी, अपना पार्टी, समाज के पार्टी है, इसलिए इस बार जरूर हम लोग झारखंड में विधायक बनेंगे और विधानसभा में आवाज देंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे, हम लोग रामगढ़ की ओर रुख करते हैं। रामगढ़ से लोग आए हैं, रामगढ़ से आप लोग इतने दूर से आए हैं और वहाँ रामगढ़ में बहुत सारे पार्टी है, रामगढ़ में आ चुका विधायक भी हैं और सारे इधर उधर जेएमएम के लोग भी मतलब वहाँ पे हैं, तो क्या जरूरत पड़ा कि आज बाप यानी कि आदिवासी, भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल होने का? आप पब्लिक एक्शन न्यूज के दर्शकों को, आज रामगढ़ से मैं आया हूँ इस रांची राजधानी में, आज पुराना विधानसभा मैदान में आज जो आदिवासी का महासमागम हुआ, आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी का हम लोगों ने ज्वाइन भी किया आज, और ज्वाइन करने के पीछे एक बहुत ही साधारण सा एक उद्देश्य है कि हम लोग आदिवासी हैं और हमारे आदिवासी हितों पर कहीं भी काम नहीं किया जा रहा है। मतलब दूसरे पार्टी आदिवासी हितों पर नहीं काम करते हैं? नहीं, आप देख लीजिए जेएमएम भी कहीं ना कहीं आदिवासी के बल पर सरकार बनाती है, लेकिन वो भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति और ग्राम सभा का जो पावर है, जमीन अधिग्रहण का पावर है, ये सब चीज पर, मूल उद्देश्य पर वो भटक चुकी है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामाशीष करमाली और मैं रामगढ़ जिले से हूँ। बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग प्रकाश मुंडा है, ये भी रामगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हम लोग देखते हैं कि रामगढ़ क्षेत्र में भी अन्य पार्टी है और अभी आज भारत आदिवासी पार्टी आया, इस पे क्या देखा जो भारतीय आदिवासी पार्टी में आप शामिल हो गए? जैसे कि झारखंड अलग हुए 23 वर्ष से अधिक हो गया है और हमारे 28 को विधायक जो जीत के आरक्षण सीट से जाते हैं, वो सांसद 6-7 तो है, वो सब आदिवासी। जो हमारा जो मूलभूत सुविधा जो मुद्दा है, जो CNT-SPT एक्ट हो गया, समता जजमेंट हो गया, 5/19, 6/19, ये सब इसके बारे में सब कहीं कुछ नहीं बोलता है। और हमारा जो चरण सीमा पर जो महंगाई, बेरोजगार और झारखंड से पलायन कर रहे हैं लोग, ये हम लोग उतना साल से देखे, इंतजार किए, लेकिन इसका सोल्व नहीं हुआ। इसलिए आज हम लोग सब मन बना लिए हैं कि अब अपना पार्टी होगा, अपना विधायक होगा, अपना सांसद होगा और आने वाला दिन में 81 विधानसभा से यहाँ से प्रत्याशी खड़ा करके जिता कर और हमारा मुख्यमंत्री होगा और यहाँ से फिर वहां हमारा देश में प्रधानमंत्री होगा। ये लक्ष्य के साथ हम लोग आज उलगुलान किए हैं और आगे देखिएगा कि ये भारत आदिवासी पार्टी का सब मन बना लिया है, लोग जुड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अगर नहीं जुड़ेगा तो फिर वो दयनीय स्थिति पर चला जाएगा, इसलिए लोग को सपोर्ट है। और देखिए कि चकाचक भीड़ हुआ, आया लोग, इसको समझा और ये भारत आदिवासी पार्टी का आज हम लोग उलगुलान कर रहे हैं, बहुत लोग सदस्यता भी लिए हैं। परिचय दे दीजिए। प्रकाश मुंडा, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आदिवासी का जो संगठन है उसका ये को लेकर के हम लोग ये करते हैं, तो वो जो सामाजिक संगठन है, वो सारे सामाजिक संगठन ने आकर आज पार्टी में ज्वाइन कर लिया। आज हम लोग एक युवा जो इसको हम लोग देखते हैं कई बार सोशल मीडिया यानी कि न्यूज सब में देखते हैं कि किसी का घर को तोड़ रहे हैं, किसी का मतलब जमीन को बचा रहे हैं और किसी का घर को तोड़ रहे हैं। आपको किसी का घर तोड़ते हुए ज्यादा देखा गया है, किसी के घर क्यों तोड़ते आप? देखिए, तोड़ने का रीजन यही है कि जैसे कि हमारे देखिए कुछ ही आदिवासी दलाल लोग हैं जो छन पैसा के लिए आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी के हाथ में दे देते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, मैं इस बार भी कहूंगा वो आदिवासी दलालों से कि आज को वो गैर आदिवासी को तो बसा रहे हैं, नहीं कल को वही जिस टोला मोहल्ला में वो रहते हैं, वही टोला मोहल्ला में ना राजनीति में हमारे नेता दिखेंगे, ना ही हमारे बिजनेस में कोई नेता दिखेंगे, ना ही कोई स्कूल में हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ते हुए दिखेंगे। इसलिए मैं इस चीज का विरोध करता हूँ, जो आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी लोग को बसा रहे हैं आदिवासी जमीन में, जो आदिवासी ही दलाल, मैं उसका विरोध करूंगा और करता रहूंगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि तमाम युवा जो है, आज हम लोग का युवा राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, आज हमारे युवा चेयर में बैठ के किसी का बातें सुनने का पसंद नहीं करते हैं। तो उस दौरान आपने राजनीतिक बातें सुन रहे हैं, बहुत सारे आप मेहनत किए हैं बाप पार्टी को लेकर के, यहाँ बहुत सारे आपने जमीनी स्तर से मेहनत किए हैं, क्या लगता है ये क्या जरूरत पड़ेगी आपको मेहनत करने का? जरूरत क्या ही नहीं पड़ेगा,
जैसे कि आपके चैनल में जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों से पूछना पाऊंगा, क्या आप झारखंड आजाद होने के बाद, है ना, झारखंड को अलग राज्य मिलने के बावजूद भी क्या आप खुश है? क्या आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी आप खुश है? दिल में हाथ रख के बोलिएगा, अगर आदिवासी नेता होने के बावजूद भी आप खुश है तो, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस सरकार को हम लोग लाते हैं झारखंड के रांची इस धरातल में, पर भी हम लोग क्या होते हैं, कभी जमीनी स्तर पे मार खाते हुए दिखते हैं, थाना जाते हैं तो थाना में थाना प्रभारी के आगे हाथ फैलाते हुए नजर देते हैं। लगातार देखा जाए तो 120 संगठन है रांची में, उसमें से 4-5 संगठन धरातल में काम करते हुए दिखते हैं जमीनी स्तर में, और जबकि 4-5 संगठन के लोग आगे बढ़ते हैं आदिवासी जमीन के हक अधिकार को बचाने के लिए, तो इसमें से ना जेएमएम सरकार सामने आती है, नहीं कांग्रेस के कोई नेता सामने आती, कोई ही नेता सामने नहीं आते। इसलिए हम आदिवासी युवा और आदिवासी के जितने भी आदिवासी यहाँ लोग हैं, सब आज भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और जो आदिवासी पार्टी ज्वाइन नहीं करे वो आदिवासी संगठन में रह के बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी को अपने तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और भी हम लोग बातें करेंगे, काहे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन अभी हम लोग समाप्त हो गया है, फिर भी हम लोग जानना चाह रहे थे, फिर भी हम लोग आइए थोड़ा सा नीचे चलेगा, हम लोग महिला नेत्री जी आइए, कुंदर से जी आइए, तो हम लोग उससे बात करना ये जरूरी है कि ये भी हम लोग इधर आइए, ये भी मेरे को दिखाओ ना, ये भी हम लोग जमीन पर लड़ते हुए हम लोगों ने बहुत बार देखे हैं, कहा कि इससे बात करना बहुत जरूरी है, तो ये हम लोग देखते हैं कि तमाम वीडियो वगैरह में देखते हैं जमीन को लेकर के एकदम लगी रहती है महिला होकर के, इतना ज्यादा काम करती है कि इस क्षेत्र में, और आज देखते हैं कि सामाजिक संगठन में कई बार देखते हैं, लेकिन आज राजनीतिक पार्टी में आखिर आ ही गया है, और राजनीतिक पार्टी बोलते हैं कि बहुत बड़ा दलदल है, ये दलदल में क्यों घुसी है, हम लोग ये सवाल करना चाहेंगे। आज अब से ने सुना है कि राजनीतिक पार्टी बहुत दलदल होता है, दलदल में आने का क्या जरूरत पड़ गया? देखिए दलदल एक्चुअली है नहीं, लेकिन लोग दलदल इसको बना दिए हैं। यहाँ जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो या क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हो, उन्हों वो लोग जनता के बीच एजेंडा को लेकर जाते तो हैं, लेकिन एजेंडा लाने के बाद भी धरातल पर उस एजेंडा पे काम नहीं करते हैं, जिसके कारण जो लोग असंतुष्ट होते हैं राजनीति से, वो इसे गंदा या दलदल कहते हैं। लेकिन अब हम आदिवासी ये समझ गए हैं कि इसी दलदल में घुसकर ही हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने आज भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ पर गठन किया है, यहाँ पर इसका शुरुआत किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि दूसरी पार्टियाँ दलदल हो सकती है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी विचारधारा की पार्टी है और हमारे वीर शहीदों की विचारधारा की पार्टी है, तो ये दलदल बिल्कुल नहीं है। सभी आदिवासियों को इसमें आना चाहिए और मिलकर अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए, ताकि हम अपने अधिकारों को ले सकें। एक बात है, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इस देश में केंद्र सरकार है, राज्य में झारखंड सरकार है, कई विधायक हैं, कई मुख्यमंत्री है, कई सारे पद हैं, फिर भी आप लोगों को हम देखते हैं कि किसी का घर तोड़ते हैं, किसी का बाउंड्री तोड़ देते हैं, क्यों आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ गया? आप लोगों का अपना सामाजिक संगठन बना के अच्छे से काम करना चाहिए, समाज को आगे लेके जाना चाहिए, आप लोग बाउंड्री तोड़ने में लग जाते हैं। देखिए सही कह रहे हैं आप कि सामाजिक संगठन है, और एक बात कहना चाहूंगी, सामाजिक संगठन है तभी जाके यहाँ पर आदिवासी समाज का जो अभी थोड़ा बहुत जो अस्तित्व है वो बचा हुआ है। जिस दिन सामाजिक संगठन नहीं रहेंगे और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उस दिन आदिवासी अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले मिन्नतें करते हैं, कहीं भी समस्या हो, किसी भी आदिवासी का कोई जमीन का समस्या हो या कोई भी समस्या, पहले हम चिट्ठी लिखते हैं, शासन को लिखते हैं, प्रशासन को लिखते हैं, राष्ट्रपति तक लिखते हैं, राज्यपाल तक लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं, डीसी एसपी सीओ बीडीओ सबको लिखते हैं, लेकिन जब कहीं से कार्रवाई नहीं होती है तब जाकर सामाजिक संगठन के लोग चढ़कर बाउंड्री तोड़ने का काम करते हैं। और ये आप लोग नहीं तोड़ते, मतलब आप लोग प्रयास करते हैं सरकार को फिर तोड़ते हैं? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करते हैं, पहले वही तो कर रहे हैं कि हम लोग पहले मिन्नत करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जमीनों को बचाइए, हमें दखल दहानी दिलाइए, हमारा भाषा संस्कृति परंपरा को बचाइए, लेकिन जब कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हमें आंदोलन के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये आंदोलन, ये संघर्ष हमारे खून में है,
क्योंकि बिरसा मुंडा, वीर बुद्ध भगत और जितने भी वीर शहीद रहे हैं, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, फूलो झानो, सभी जितने भी वीर शहीद रहे हैं, उन्होंने भी एक समय यही किया था। उन्होंने भी एक समय, जब अंग्रेजों का दमन चल रहा था, मुगलों का शासन चल रहा था, उस समय हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने भी इसी लड़ाई को लड़ा है अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। और जब लगा कि अब हमारा अस्तित्व खतरे में है, तब वो उन्होंने जबरदस्त संघर्ष। उन्होंने गलत कर रहा था कि सही कर रहा था? वो भी सही कर रहे थे। अच्छा, एक बात है, आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे वीर महापुरुष है, वीर शहीद है, उन लोगों ने यही काम किया, और बाकी जो हम लोग देखते हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टी उन लोगों के शहीद दिए दिन में, जन्मदिन दिन में उन लोगों को माला पहनाते हैं, उन लोगों का आदर्श पर चलते हैं, तो क्या उन लोगों का आदर्श पर चलने के बाद भी आप लोगों का ये हाल है? देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। यहाँ पर वीर शहीद को माल्यार्पण करके वो ये जताना चाहते कि हम आदिवासियों के साथ हैं, उनके वीर शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पे कभी नहीं चले हैं। और चलते तो आज ये भारत आदिवासी पार्टी बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। आज किसी पार्टी को यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी और मैं खुलकर बोलती हूँ, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा या गठबंधन की सरकार अगर यहाँ सही से काम करती, जिस तरह हम लोग बीजेपी को हटाए, और बीजेपी को तो हम लोग एकदम नहीं चाहते हैं, आदिवासी जो है बीजेपी को एकदम देखना नहीं चाहते हम लोग, वो हमारे लिए दुश्मन है। यहाँ जो आरएसएस का जो दिमाग यहाँ चलता है ना, हम लोग उससे एकदम खार खाए हुए रहते हैं। इसीलिए हम लोग विकल्प के तौर पे हम लोग जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को लाए। और मैं कहना चाहूँ, कांग्रेस भी जाने दीजिए, जेएमएम अगर यहाँ पर अगर सही मायने में अगर आदिवासियों का मान सम्मान का बात करता और यहाँ पर आदिवासी हित की बात करते, तो आज हमको लगता है कि अगले 50 साल तक जेएमएम का राज होता यहाँ। फिर भारत आदिवासी पार्टी या अन्य पार्टी को यहाँ लाने का बिल्कुल जरूरत नहीं था। हम लोग भी चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग उन्हीं को समर्थन करते, लेकिन आज जरूरत पड़ रहा है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है, परिवार के लोग सारे लोग विधायक बन रहे हैं, अब जो बाप बन गया तो बेटा बनेगा। इसका हेमंत सोरेन का बोल रहे हैं, कांग्रेस में भी है, जेएमएम में भी है, बीजेपी में भी है, ऐसा बाप बन गया विधायक तो बेटा भी बनेगा, अब बेटा नहीं है तो उसकी बेटी बनेगी, और बेटा बेटी नहीं है तो पत्नी बन गई। मतलब ये परिवारवाद हर पार्टी में है, और हम चाहते हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप में हिम्मत नहीं तो आपके आसपास कई लोग हैं जो आपके साथ समर्थन में दिन रात आपके साथ लगे रहते हैं, आप उनको मौका दीजिए, आज के युवाओं को मौका दीजिए, पर आप तो ऐसा करते नहीं। अंतिम में आप अपना वाप पार्टी में क्या और लोगों को क्यों कैसे आमंत्रित कर रहे हैं, इसके लिए मैं झारखंड के तमाम आदिवासियों से, जो भी 32-35 जो जनजातियां हैं, मैं सबसे यही कहूंगी कि अगर आदिवासी समाज को बचाना है, झारखंड का अस्मिता और पहचान को बचाना है, अपने जल जंगल जमीन को बचाना है, तो निस्वार्थ भाव से भारत आदिवासी पार्टी को आप समर्थन दीजिए और भारत आदिवासी पार्टी से जुड़िए, ताकि हम मिलकर अपने हक अधिकारों के लिए हम लोग सड़क से सदन तक लड़ सके। इसी के साथ हम लोग कुंदर सिंह मुंडा से बात विचार किए, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा पार्टी है आदिवासी के नाम पे, अपने आप को बजाती है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि वो लोग फर्जी आदिवासी का काम करते हैं, और ये लोग जो अभी वर्तमान जो यानी कि भारत आदिवासी पार्टी है, वो सही में आदिवासी मायने का काम करेंगे। हम लोग ये इसको देखते हुए इस वीडियो को हम लोग जन जन तक शेयर जरूर करेंगे, काहे कि इस पे हम लोग को शेयर करना इस वीडियो को इसलिए जरूरी है, काहे कि तमाम आदिवासियों के पास पहुंचे, तमाम लोगों के पास पहुंचे, तमाम अन्य राजनीतिक दल के पार्टियों के नेताओं के पास पहुंचे, काहे कि यह नया पार्टी उभरता हुआ जो यानी कि राजस्थान क्षेत्र में 4 विधायक और 1 सांसद जीते हुए हैं, अभी झारखंड में भी ये पैर पसारने जा रही है। झारखंड के आदिवासी समाज या इस झारखंड के तमाम लोग इस पार्टी को किस प्रकार के से एक्सेप्ट करते हैं, इसको देखते हैं पब्लिक एक्शन न्यूज में। अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।